तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज हमने सोचा था अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे वापस सोचा था, लेकिन आज आ गई है बारिश। देखते बारिश कैसी हो रही है। ओह माय गॉड। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने सफर के लिए। सफर के लिए देखिए क्या क्या तैयारी हुई हुई है। ये देखिए, वाओ बेटा वाओ बेटा, ये कहाँ जा रहे हो आप ऐसे, इसको लेके कहाँ जा रहे हो है जी? घर छोड़ के जा रहा है, पर आज तो घर पे मम्मी ने जलेबी बनाई है। बेबी लेट मी सी, आई वांट टू सी। बहुत बढ़िया, यही काम रह गया इनका। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके कोई सामान यूज़ में नहीं आ रहा होता तो आप उसको ऐसे घर के बाहर छोड़ सकते हो। जिसको चाहिए होगा वो ले जाएगा, जिसको नहीं चाहिएगा तो ये यहीं पड़ा रहेगा। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है, कोई लेके जाता है नहीं लेके जाता। ये देखो ऐसे पड़े रहते हैं यहाँ पे। अब ये जिसको भी चाहिए ना ये सोफ़ा वोफा तो ले जाओ ले जाओ, कोई पैसा नहीं कोई पूछना नहीं, बस ले जाओ। और मेरे को है ना ये शॉर्ट्स के ऊपर ये जैकेट पहनाई थी इसने आखिर को, और समुद्र पार करने के लिए नाव भी। अभी तेरी समुद्र बनाता हूँ तेरा, जैकेट तो पहननी पड़ती है। इंसल्ट करवाएगी मेरी सबके सामने, वहाँ पे गर्ल्स होगी जब मैंने बोला तेरे से, तभी तो पहनाई है। और र, 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 लाइन देखो भैया, वो है वो है वो है। ओ भाई साहब गाइस टिकट आ चुकी है, चलते हैं अंदर। स्वाद आने वाला है बहुत। मोटे अम्मी जैकेट उतारा ना, तो बहुत सारी गर्ल्स है, तेरे को ठंड लग रही है ना, पहन ले बेटी जैकेट पहन लो। इसके साथ नहीं आऊँगा अगली बार। गाइस सबसे पहले कौन सा झूला जाए आप मेरे कमेंट में बताओ, जब तक मैं झूला झूल लूँ। ये बच्चे क्या झूल रहे हैं यार, यहाँ पे तो दोस्तों के साथ आना चाहिए था यार। मोटो उसमें चले, अरे बाप रे उसमें चलेंगे सबसे पहले। ओ भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है। अरे लाइन में चल इसमें। तो गाइस हम लोग हमारे वार्म अप वाले झूले में बैठ चुके हैं, कैसा लग रहा है मोटे है? आप फट रही है, लग रहा था वोमा पे बहुत धीरे घूम रहा था पर ऊपर जाके फट रही है वो। मोटे ओ शिट मेरे को एक गेहूं को वो पूरा बाप रे मोटे डर लग रहा बहुत हल्का झूला है, बहुत ही धीरे घूम रहा है ये तो। मोटे तूने सही कहा था, इसमें एक मज़ा आ गया भाई, नेक्स्ट लेवल। जो भी कैनेडा हो वैनकूवर आना और अम्यूजमेंट पार्क तो जरूर घूमना। हाँ ये नंबर वन की प्रायोरिटी पे दिया है हमने, अब नंबर टू पे चलते हैं। डू नॉट भाई, ये नंबर टू वाला झूला आ चुका है, आ जा मोटे। ये कौन सा झूला है मोटे, ये तू पकड़ो। नहीं भाई मैं नहीं पकड़ूंगा, ये बहुत तेज चलता है। Oh!
तो गाइस लेवल 3 वाला झूला आ चुका है हमारा। ये लेवल 3 के भी ऊपर था, इसमें क्या है इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करने दी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे। और सच्ची में अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, मेरा छूट जाता हाथ से GoPro, इतनी तेज ऊपर गया था वो, मेरा फोन हाथ से गिरने वाला था, बच गया। और मत निकालो फोन। और एक बैड न्यूज़ ये आई है कि मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि मेरा आज शेड्यूल था पर मैं गई। तो गाइस ये है लेवल 4। क्या आपने देखा? नहीं, वापस देखिए। अब मेरा चश्मा निकल के गिर गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। बहुत ही खतरनाक था भाई, बहुत ही खतरनाक। अब जा रहे हैं हमारे लास्ट झूला जो कि है ये वाला। सोचो कितना खतरनाक होने वाला है। किसी का फोन गिर गया, किसी का फोन गिर गया, मतलब नीचे रख के जाएंगे उधर रख सकते हैं। और दो दो फोन पागल, एक तो टूट गया। शिट, तो गाइस हमारी चांस आ चुकी है। तो गाइस इतना मजा आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। किसका एक तो कीड़ा हो गया ना, दिमाग खराब हो गया यार। हैं, शाम तक रुकते अपन। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर पे, और अब मेरा कैब हालत तो ख़राब हो ही गई है, और अभी तो मेरी हालत और ख़राब होगी। अभी तो ऑफिस और जाना है, अभी 10 मिनट बस बैठ के, और फिर मेरे ख्याल से कैब से ही जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बस का भरोसा मैं अभी एंड टाइम पे कर नहीं सकता, क्योंकि रिस्की मामला है। फिक्स 5 बजे मेरे को डेडलाइन दी है, 5 बजे पहुँचना ही है एनी हाउ। आधी चीज़ें छूट गई, तो हम सोच रहे हैं वापस कभी और जाएंगे, इस बार दोस्तों के साथ जाएंगे बहुत सारे। तो हमारे लिए तो बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। आप में से कोई है वैंकूवर में तो जाके आना, और जो लोग आ रहे हैं वो भी जाके आना, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे पैरों से तेरे पैर।
ये तो सिर्फ छोटे छोटे पैर है ना, क्या करें।